इंडिया एक्सप्रेस समाचार चैनल से मैं अनन्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं एक नई खबर। तृतीय गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के समापन अवसर केडीसी में संपन्न हुआ मेगा चिकित्सा शिविर। प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह रहे मुख्य अतिथि। ब्यूरो चीफ डॉक्टर राधेश्याम श्रीवास्तव। बहराइच नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जनपद बहराइच में आयोजित तृतीय गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश के राज्य मंत्री उद्यान कृषि विपणन किसी प्रदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात दिनेश प्रताप सिंह ने एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी विधायक महसी सुरेश्वर सिंह प्रयागपुर के सुभाष त्रिपाठी भाजपा जिलाध्यक्ष श्यामकरण टेगड़ीवाल व अन्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर स्वर्गीय ठाकुर हुकुम सिंह किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहराइच के प्रांगण में आयोजित निःशुल्क मेगा चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर के दौरान लगभग 1000 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यकता अनुसार दवाओं का निःशुल्क वितरण किया गया। शिविर के दौरान मोतियाबिंद के लगभग 150 मरीज भी चिन्हित किए गए। शिविर को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों लखीमपुर बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर सिद्धार्थनगर इत्यादि जनपदों के लगभग 1500 गाँवों में स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा इत्यादि का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि यह एक पुनीत कार्य है जिससे देश व राष्ट्र का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान मानव मात्र सेवा के लिए अपनी सेवाएं देने वाले लगभग 600 चिकित्सकों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है। मैं सभी चिकित्सकों एवं जिम्मेदारों का दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय मंत्री श्री सिंह ने कहा कि विचार संगठन राष्ट्र व देश के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। संगठन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही माननीय नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्तित्व रखने वाले लोग पैदा होते हैं। श्री सिंह ने कहा कि चिकित्सकों द्वारा बेड रेस्ट का परामर्श देने के बावजूद संगठन द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्य में मात्र योगदान देने के कारण मैं उपस्थित हुआ हूं। श्री सिंह ने कहा कि उनकी कामना है कि विचार परिवार का संदेश गांव-गांव व जन जन तक पहुंचे। निःशुल्क चिकित्सा शिविर को सह प्रांत प्रचारक अवध प्रांत मनोज जी ने नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के उद्देश्य एवं इतिहास पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए बताया कि संगठन द्वारा अब तक लगभग 1,00,000 शिविर आयोजित कर जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के सिंह तथा प्रभात जी रवि अग्रवाल सहित अन्य वक्ताओं ने शिविर के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। शिविर के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर तथा चिकित्सा शिविर के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान करने वाले चिकित्सा विद्यालय प्रयागराज अयोध्या KGMC बहराइच के चिकित्सकों तथा मेडिकल छात्रों को अंग वस्त्र व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने किया। इसी अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय, उप जिलाधिकारी सदर सुभाष सिंह, COCT राजीव सिसोदिया, जिला उद्यान अधिकारी पारसनाथ सहित अन्य अधिकारी, पार्टी पदाधिकारी रणविजय सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, नन्हेलाल लोगरी, संचित सिंह, निशंक त्रिपाठी, अखंड प्रताप सिंह गोलू, सदर विधायक अनुपमा जायसवाल के प्रतिनिधि अशोक जायसवाल, सह बैंक के अध्यक्ष घनश्याम सिंह, पूर्व प्राचार्य मेजर डॉक्टर SP सिंह, धर्मगुरु रवि शंकर महाराज, समाज सेवी व शिक्षाविद प्रोफेसर विजय कुमार, JP सिंह, राजकिशोर, दीनानाथ, आशुतोष, अशोक केडिया, उत्तम इंद्र बहादुर सहित अनुसांगिक संगठनों पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या मरीज मौजूद रहे। इंडिया एक्सप्रेस से बहराइच ब्यूरो चीफ डॉक्टर राधेश्याम श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।